इट रेफर्स टू एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्समैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जी हाँ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो पीरियड ऑफ टाइम एक महीना हो सकता है एक साल हो सकता है छह महीना हो सकता है अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की अभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो करता है बट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती क्या है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो सारी आइटम्स होती हैं जो रिलेटेड होती हैं विजिबल आइटम की इनविजिबल आइटम से यूनिनेटल ट्रांसफर से और कैपिटल ट्रांसफर से जी हाँ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेफर्स टू दोन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल ओनरशिप ऑफ गुड्स सर्विसेज मनी एसेट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू विजिबल आइटम इनविजिबल आइटम यूनिनेटल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग चीज है और बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्श को रिकॉर्ड करता है जस्ट लाइक विजिबल आइटम की इनविजिबल आइटम्स की ट्रांसफर्स की करंट ट्रांसफर्स की वैसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स की ही ट्रेड को रिकॉर्ड करता है ना कि इनविजिबल ना कि यूनिट्रल ना कि कैपिटल मेरे कहने का मतलब है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये दोनों एक दूसरे से अलग है बट दोनों बहुत नज़दीक है कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो चाहे वो यूनिलेटल हो जी हाँ चाहे वो कैपिटल हो बट बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ पहली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो सिर्फ होती है की. इसकी वो देखिए इसका फॉर्मुला देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ही डिफरेंस रिकॉर्ड करता है okay, तो आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अब हम पढ़ रहे हैं of of हमेशा बैलेंस ऑफ कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कम्पोनेट्स होते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है चार तरह की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है कौन सी विजिबल आइटम इनविजिबल इनविजिबल आइटमेटल ट्रांसफर्स और करंट ट्रांसफर्स अब हमारी सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो किस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी या तो करंट में या तो कैपिटल में या तो फिर दोनों में तो करंट अकाउंट कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है करंट अकाउंट उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो विजिबल आइटम्स की है इनविजिबल आइटम्स की है और यूनिलेटल ट्रांसफर्स की है जी हां कैपिटल ट्रांस जो होती है जो कैपिटल ट्रांजेक्शन जो कैपिटल आइटम्स की ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होती है बेसिकली करंट अकाउंट उन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो विजिबल है इनविजिबल है यूनिलेटरल है ओके okay. और बाकी बची कौन सी कैपिटल ट्रांजैक्शन अब कैपिटल ट्रांसफर जैसी चीजें वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होती है कैपिटल अकाउंट वो चीज़ें रिकॉर्ड करता है जो कैपिटल नेचर की हैं जो लाइक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं एक कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटीज में जब चेंजेस आती हैं जो ट्रांजेक्शन करने के बाद वो सारे ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होंगी कैपिटल अकाउंट में अब आप बात करो कि हमारे देश ने अमेरिका को या फिर चाइना को एक्सपोर्ट किया सामान एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी विजिबल इनविजिबल आइटम्स में करंट अकाउंट में और जो अगर सपोज करो हमारी कंट्री ने अमेरिका को लोन दिया हमारी कंट्री ने चाइना को लोन दिया हमारी कंट्री ने श्रीलंका को लोन दिया इट मीनस ये एक लैंडिंग टू अब्रॉड है ये पैसा बहुत कैपिटल नेचर का है डेली नहीं होता है ईयर में एक दो बार ही अकर हो जाता है तो इसको कैपिटल नेचर का बोलेंगे और कैपिटल नेचर मतलब है जो आइटम्स हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंट्री को क्या करे चेंज करे हमारी कंट्रीज की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को चेंज करे वो वो ट्रांजेक्शन जिससे हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमारे देश की चेंज होती है तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है अब हम पढ़ेंगे कैपिटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट जैसे कि मैंने बताया था करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो शुरू की इकोनॉमिक तीन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है विजिबल को इनविजिबल को यूनिलेटरल को तो विजिबल आइटम्स कौन से होते हैं विजिबल आइटम्स टेंजिबल आइटम्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं और जो हम देख सकते हैं कि वो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे जा रहा है वो क्रॉस कर रहा है क्रॉस द बाउंड्रीज वो क्रॉसिंग द बाउंड्रीज को हम देख सकते हैं सच एज फूड मशीनरी और कोई भी गुड जैसे कि आप एडिडास का ब्रांड हो गया उसके क्लॉथ्स हो गए कपड़े हो गए तो कुछ भी ऐसी चीजें जो हम देख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो विजिबल आइटम्स की है इनविजिबल आइटम्स इनविजिबल आइटम्स होती है हमारे आसपास पास है बट हम तो उसको ऑब्जर्व नहीं करते जस्ट लाइक सर्विसेज बैंकिंग कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीजें इनविजिबल आइटम्स जो कि सर्विसेज होती है जिनको हम देख नहीं सकते जो इंटेंजिबल होती है जिनको हम छू नहीं सकते बट ये होती ही, ही है ट्रांजेक्शन ही हैं इनका रिकॉर्ड तो होगा ही क्योंकि इनकी पेमेंट्स तो होती हैं इनकी रिसिप्ट भी होती हैं इन सर्विसेज की पेमेंट्स भी होती हैं इन सर्विसेज की receipts भी होती है तो ये सारी की सारी चीजें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है लास्ट इज यूनिटल ट्रांसफर यूनिलेटल ट्रांसफर्स को हम बोलते हैं कि ये वन साइडेड ट्रांसफर्स है जस्ट लाइक like कि अमेरिका ने इंडिया को गिफ्ट दिया डोनेशन दिया रेमिटेंसेस दिए वैसे ही अगर इंडिया ने पाकिस्तान को गिफ्ट दिया डोनेशन दिया रेमिटेंसेस दिए तो ये उसी तरफ की ट्रांजेक्शन है जो वन साइडेड होती है जिसके बदले कोई हमको कुछ मिलता नहीं है सिर्फ ये वन साइडेड होती है वन साइडेड ट्रांजेक्शन होती है वन वे ट्रांजेक्शन ये बर्क स्ट्रक्चर देख लेते हैं करंट अकाउंट का करंट अकाउंट जैसे मैंने बताया था तुम्हें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की सिर्फ तीन आइटम्स आती हैं विजिबल इनविजिबल और करंट ट्रांसफर्स वैसे ही हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जी हाँ ये सेम है जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं ना डेबिट आप बनाते हैं डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो में बनाते हैं डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट तो यहाँ भी हम डेबिट क्रेडिट का यूज करेंगे यहाँ डेबिट और क्रेडिट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है आप उसको रिलेट कीजिएगा डेबिट मतलब होता है जितना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है जितना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है और जितना पैसा हमारे देश में आ रहा है बाहर से वो सब होता है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होने वाली चीज़ें तो डेबिट साइड वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो पैसा हम यहाँ से बाहर भेजते हैं और क्रेडिट साइड वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो जो पैसा बाहर से हमारे देश में आता है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा सीरियल सीरियल नंबर वन पे देखो विजिबल आइटम्स दिख रहा है विजिबल आइटम्स का अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करके आपको पैसा मिलेगा तो वो पैसा कहाँ रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा जैसे कि आप इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से अगर सपोज करो आप जर्मनी से जूते मंगा रहे हैं या फिर आपकी मशीनरी मंगा रहे हैं कुछ ऐसी आइटम्स अगर आप मंगवाते हैं तो उसकी आपको पेमेंट्स करनी पड़ेगी तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स की पेमेंट्स जो होंगी वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगी वैसे ही इनविजिबल आइटम्स की हैं जो सर्विसेज आप बाहर से मंगवाएंगे उनकी पेमेंट्स आपको करनी है उनकी पेमेंट्स कहां रिकॉर्ड होंगी डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगी और जो भी आपने सामान बाहर बेचा है जो भी आपने सेल किया है एज अ सर्विस आपने कोई सर्विस दी है बाहर बैंकिंग में कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्टेशन में तो वो सारी की सारी चीजें कहां रिकॉर्ड होंगी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगी उनकी रिसिप्ट कहाँ रिकॉर्ड होंगी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगे जस्ट लाइक थर्ड पॉइंट करंट ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं वन वे ट्रांजेक्शन और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ये कहां होती है अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी अगर बाहर से इंडिया में आ रही है तो कहां रिकॉर्ड होगा ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा और हमारा तीसरा कॉलम है नेट अमाउंट का इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा नेट अमाउंट में रिकॉर्ड होगा नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है हाँ जी कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के चेंजेस को रिकॉर्ड करता है एसेट्स एसेट्स एंड एंड की चेंजेस को कहने का मतलब हमारे एसेट्स क्या होते हैं हमारी एसेट्स इन्वेस्टमेंट होती है लाइबिलिटी क्या होती है हमारी लाइबिलिटी बोरिंग्स होती है अगर हम बाहर देश से बोरो कर रहे हैं ना पैसा अगर हम बाहर से बोरो कर रहे हैं ना पैसा तो कैपिटल अकाउंट में भी ये क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड होगा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना करंट अकाउंट वैसे ही हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आगे दिखाएंगे आपको तो बोरिंग्स बेसिकली क्या होती है एक लाइबिलिटी होती है अब ये दो हिस्सों में डिवाइड है बोरिंग्स एक होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरिंग वैसे ही इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है एक होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक होता है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट वैसे ही सेम स्ट्रक्चर जो हमने करंट अकाउंट में बनाया था वही सेम स्ट्रक्चर हमारा करंट अकाउंट जैसे कैपिटल अकाउंट में बनेगा पहला क्या है बोरिंग्स एंड लेंडिंग जो आप पैसा बाहर से बोरो कर रहे हो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा जो आप पैसा बाहर लेंड कर रहे हो बाहर दे रहे हो पाकिस्तान जैसी कंट्री को अगर आपने कुछ पैसा दे दिया तो वो सारा चीज कहाँ रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा वैसे ही इन्वेस्टमेंट है अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से इंडिया में आ रही है बाहर से इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आ रही है तो वो रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर जा रही है जैसे लाइक रतन टाटा एंड अंबानी अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं बाहर किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा कहां रिकॉर्ड होता है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था जितना का जितना आउटफ्लो ऑफ करेंसी है वो बाहर जा रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा जो इनफ्लो ऑफ करेंसी है बाहर से आ रहा है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा इनका नेट डिफरेंस नेट अमाउंट जो भी इनका डिफरेंस होगा वो हमारे नेट अमाउंट में रिकॉर्ड होगा यस yes. न भी ओके तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमेशा रिसिट्स और पेमेंट बराबर नहीं होती है कभी रिसिप्ट ऊपर हो जाती है कभी पेमेंट ऊपर हो जाती है कभी क्या ये मैच कर जाता है तो वैसे ही हम ये, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट भी हो सकता है सरप्लस भी हो सकता है बैलेंस भी हो सकता है यस yes, डेफिसिट कब होगा आपकी आप

ओके थर्ड इज बैलेंस बीओपी बैलेंस्ड बीओपी का मतलब है कि दोनों बराबर है भैया रिसिप्ट भी बराबर है और पेमेंट्स भी बराबर है ओके लास्ट हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमियस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑटोनॉमियस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स को ध्यान से समझेंगे ऑटोनोमियस आइटम्स वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में करी जाती हैं जिसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो गैस करो याद करो कि कौन सा मोटिव कौन सा ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करा जाता है जी हाँ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है इन्वेस्टमेंट टू एब्रॉड प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती हैं ये सारी होती हैं ऑटोनोमियस आइटम जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में रिकॉर्ड होती हैं नेक्स्ट इज अकोमोडेटिंग आइटम्स अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है अकोमोड वो आइटम्स होती है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस uh, को मेंटेन करेंटेन करें जैसे हमने पीछे पढ़ा था बीओ पी डेफिसिट भी हो सकता है बी ओपी सरप्लस भी हो सकता है जी हाँ हमारे देश के पास कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्यादा पैसा बाहर भेज देते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है बाहर से तो जो मेनटेन वो जो डिसिक्लिब्रियम बन जाता है ना डेफिसिट का और सरप्लस का हमें हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ही रखनी होगी तो इसके लिए जो हमारा डेफिसिट बैलेंस और सरप्लस बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हम ऑकमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं अब ऑक्मोडेटिंग ट्रांजेक्शन कैसे अगर सपोज करो हमें डेफिसिट हो गया डेफिसिट हो गया इसका मतलब हमारी आउटफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज हमारी आउटफ्लो ऑफ करेंसी बाहर के देशों में ज्यादा है और इनफ्लो ऑफ फॉरन करेंसीज हमारे देश में कम है इसका मतलब हम बाहर ज्यादा पैसे भेज रहे हैं और बाहर से पैसा हमारे देश में कम आ रहा है जो गैप है ना वो हम मेंटेन करेंगे बहुत करके क्योंकि हमें बैलेंस तो करके? करके, जब आउटफ्लो ज्यादा होता है इनफ्लो कम होता है उसको मेंटेन करने के लिए अब हमें बाहर से बोरिंग boring, बोरिंग्स uh, करनी पड़ेंगी एक्सटर्नल बोरिंग्स करनी पड़ेगी एक्सटर्नल असिस्टेंट बोरिंग्स करनी पड़ेगी कमर्शियल बोरिंग्स करनी पड़ेगी तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये सारी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है ठीक है तो एक और चीज इनके दो नाम भी होते हैं ऑटोनोमियस आइटम्स को हम अब द लाइन आइटम्स बोलते हैं ठीक है और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को हम बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं एक बार समरी देख लेते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती है करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में दोनों में आती है ये इंडिपेंडेंट होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है अब, अब द लाइन आइटम्स दूसरी साइड क्या है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो किस लिए आती है वो कवर करती है किसका मेंटेन करती है वो उस डिसक्म मेंटेन करती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो उसको हम क्या बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं ठीक है तो ये सिर्फ सर, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही आती है जी न, सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही आती है थैंक यू सो मच आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे दो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए थैंक यू सो मच अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विशाल दास क्लासेस के नाम से थैंक यू